सो ए गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं अल्टीमेट ह्यूंडई चंडीगढ़ से आज आपको दी ऑल न्यू ह्यूंडई वरना के बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ह्यूंडई ब्रांड की, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड मैन्युफैक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सो आज हम बात करेंगे जो हमारे सामने अभी ये टॉप मॉडल वरना SX ओ IVT मॉडल ये जो अभी अवेलेबल है, खड़ी है हमारे पास। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ फीचर्स और अनबीटेबल फीचर्स आपको बताऊंगा, जो कि मार्केट में किसी भी गाड़ी के कंपैरिजन में देखा जाए इस प्राइस रेंज में तो आपको नहीं मिल पाएगा। सो अगर बात करें इसकी वरना की फ्रंट लुक की, तो वरना में फ्रंट लुक में आपको कनेक्टिंग DRL LED DRL लाइट्स मिल जाती है, जो कि डे रनिंग लाइट्स हैं। एंड अगर बात करें हम इसकी लाइट की, फ्रंट लाइट की, जो कि क्वाड बीम LED हेडलाइट्स हैं। एंड फ्रंट में आपको डार्क क्रोम ग्रिल में आपको इसमें फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी, बम्पर्स में जो लगी हैं। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो इसमें एक ह्यूंडई का फ्रंट में पहले लोगो मिलता है, जो कि यह दर्शाता है कि हम दो आपस में लोग हेलो मिला रहे हैं। जैसे हम इंडियन शोरूम में जाते हैं तो लोग नमस्ते करते हैं, कोई हेलो मिलाता है, तो उसका ये दर्शाता है। अगर इसके हम बात करें साइड लुक की, तो साइड में आपको टायर का जो साइज मिलेगा, इसको 205/55R16 का टायर साइज डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। एंड अगर हम साइड की बात करेंगे तो ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM में ही मिल जाएंगे, जो कि वरना में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड साइड की बात करें इसमें डोर हैंडल्स की, जो क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। एंड कीलेस एंट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आप यहीं से पॉकेट में आपके अगर कीज हैं तो आप यहीं से बटन प्रेस करके अपना गाड़ी ऑन एंड ऑफ यहीं से कर सकते हैं। एंड अगर बात करें इसकी विंडो क्रोम, तो क्रोम इसमें कंपनी फिटेड सारी क्रोम लगी हुई आती है। टॉप में देखें, छत में तो आपको सनरूफ इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ इसमें देखने को मिलती है। एंड बात करें इसमें क्रोम फिनिशिंग, तो फ्रंट से लेके रियर तक आपको क्रोम कंपनी फिटेड करके मिलती है, जो कि लग्जरी सेडान में ज़्यादातर आपको बड़े बड़े ब्रांड में देखने को मिलते हैं। एंड बात करें पीछे शार्क फिन एंटीना इसमें मिलता है आपको, जो कि इलेक्ट्रिक शार्क फिन एंटीना होता है। रियर डिफोगर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और अंदर से आपको इसमें कर्टन भी मिलते हैं, जो कि आपको सनशेड से बचाते हैं। एंड रियर की बात करें, आपको कनेक्टिंग LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि आपकी हेडलाइट ऑन होने पर आपकी ये वाली तो जल जाती है। एंड रियर में बात करें कैमरा, जो का आपका रियर कैमरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड पार्किंग सेंसर आपके रियर में रहेंगे। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो इस कंपैरिजन में इतना बड़ा यूज बूट स्पेस आपको किसी भी गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। 550 लीटर का बूट स्पेस इसमें अप्रोक्सीमेटली होता है। अभी बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक, यहाँ से आपका फ्यूल टैंक ओपन होता है। एंड इसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो 45 लीटर की कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हैं तो एक बार फुली करा के आपकी काफ़ी अच्छी रेंज के हिसाब से चल जाएगी। एंड अगर इसकी टोटली लेंथ की बात की जाए, फ्रंट टायर से रियर टायर तक की, 45-35 mm का इसका लेंथ रहेगा। व्हील बेस की इसकी अगर बात करें यहाँ से वहाँ तक की, तो अगर देखा जाए तो व्हील बेस इसका अप्रोक्सीमेटली 2670 के अराउंड व्हील बेस है। व्हील बेस लंबा काफ़ी, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी बड़ा व्हील बेस इस लग्जरी सेडान वरना में मिलता है। व्हील बेस का हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम पैसेंजर सीट में पीछे बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलता है कंफर्टेबली आप इसमें। हाइट कितनी भी है? मेरी हाइट 5.5 इंचज 4 इंचज है। तो अगर देखा जाए तो हेड रूम भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर मुझसे भी ज़्यादा हाइट वाले हैं तो उनको भी हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड रियर में बात करें तो कप होल्डर भी आपको दिए गए हैं विद आर्म रेस्ट एंड कप होल्डर। एंड फोन की पीछे फास्ट चार्जर का ऑप्शन, सी टाइप का चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो 5 स्टार NCAP रेटिंग, 5 स्टार सेफ्टी है इसकी। एंड ह्यूंडई की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बेस से लेकर टॉप मॉडल में सभी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर्स है ह्यूंडई का। रियर पार्किंग सेंसर एंड 6 एयरबैग्स विद ABS विद EBD। एंड इसकी अगर बात करें ड्राइवर डोर ट्रिम्स की, तो इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स, लॉक अनलॉक मिरर फोल्डेबल का बटन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा।
एंड अगर आपने मिरर भी एडजस्ट करना है तो इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए तो प्रीमियम जो बॉस का साउंड सिस्टम ह्यूंडई मार्केट में अवेलेबल कराता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो बॉस का इनका बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम रहता है। एंड ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल रहती है, रिक्लाइन डिक्लाइन अप एंड डाउन आप यहीं से सीट को कर सकते हैं। स्टेयरिंग की तो स्टेयरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट स्टेयरिंग दोनों अवेलेबल होता है, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक सभी तक ये फीचर मिलेगा आपको। एंड लेवल टू एडास की अगर इसमें बात करें अवेलेबल है ह्यूंडई वर्ना में, लेवल टू एडास अडेप्टिव क्रूज लेन एडास, वॉल्यूम कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल, म्यूजिक कमांड्स। अब इसके बात करते हैं 10 इंचीज MID डिस्प्ले की। MID का मतलब होता है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, लाइक आपको आपके डिस्प्ले में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड आपकी गाड़ी की रेंज एम्प्टी टू फुल, फ्यूल डलवाने के बाद कितनी किलोमीटर की रेंज देगी, कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर की एवरेज देगी, इंजन कितने टाइम से आपका स्टार्ट है, वो सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहीं पे देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पे आपकी गाड़ी की हीटिंग कैपेसिटी एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका फ्यूल कितना है उसका कैपेसिटी आपको मिलेगा। एंड पैडलर शिफ्टर की इसमें बात करें तो ऑटोमेटिक मॉडल में पैडलर शिफ्टर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अगर हम देखा जाए मार्केट में तो काफ़ी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, लग्जरी गाड़ियों में, जो हमारी वरना में ही अवेलेबल आ जाता है। एंड अगर बात करें इसकी लाइट्स की तो ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, जैसे ही आपका अंधेरा होने लगता है ऑटोमेटिक लाइट्स आपकी ऑन हो जाती हैं। अब इसके अगर बात करें म्यूजिक डिस्प्ले की तो 10.25 सेंटीमीटर का डिस्प्ले आपको काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड अगर बात करें AC की तो यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से आप AC का फ्लो अगर आपने करना है तो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड टेम्परेचर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर जो एक बटन दिया गया है जिसमें एक फ़ैन भी बना है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अपना म्यूज़िक का वॉल्यूम भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगेन अगर पे करेंगे बटन प्रेस करेंगे तो आप AC का टेम्परेचर इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर इसमें आगे आपको फ्रंट में दिया गया है एंड ड्राइव मोड आपको अवेलेबल है इसमें, जिसमें कि स्पोर्ट्स नॉर्मल एंड इको मोड दिए गए हैं। एंड अगर चलते चलते हमने रियर व्यू देखना है तो आप यहाँ पर एक P का बटन दिया गया है जिसमें आप चलते चलते रियर का व्यू भी देख सकते हैं भी हमारे पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है। USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है एंड मल्टी चार्जिंग का ऑप्शन 12 वोल्ट के साथ 120 वाट के साथ यहाँ पर दिया गया है। फास्ट चार्जर का सी टाइप चार्जर पॉइंट यहाँ पे एक आपको मिल रहा है एंड 65 कलर्स एम्बियंट लाइट, आप 65 कलर्स में एम्बियंट लाइट को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बात करेंगे IRVM तो इसमें आपको SOS एंड टो वैन और एक बी का बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसका मतलब होता है SOS होता है इमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस। तो आप SOS में सपोज हमारी गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है, हमारे दरवाजे खुलने लायक नहीं है, तो हमें अगर किसी की हेल्प चाहिए तो हम SOS को दबाकर हम कस्टमर केयर से हेल्प करवा सकते हैं अपनी। एंड सेंटर बटन का मतलब यह है कि आपका फ़ोन डैमेज हो गया या फ़ोन नहीं है आपके पास, तो सेंटर बटन का मतलब होता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, टो वैन मंगानी है, तो उसके लिए आप इस पर गाड़ी से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये बी का मतलब होता है ब्लू लिंक, ह्यूंडई का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ब्लू लिंक, जिसमें आप अपनी गाड़ी का सारा शेड्यूल चेक कर सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी अगर आपके पास की नहीं है तो आप ऑन ऑफ अपनी गाड़ी से कर सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड अगर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सनरूफ का यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन सनरूफ यहाँ पे दिया गया है, लाइट्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, यहीं से आपकी सनरूफ ऑन एंड ऑफ होगी। एंड अगर इसकी बात करें तो 1.5 MPI पेट्रोल इंजन के साथ 115 BHP पावर के साथ ये अवेलेबल हैं एंड इसमें दो इंजन ऑप्शन रहती है 1.0 टर्बो एंड 1.5 MPI 1.5 टर्बो की जो पावर कैपेसिटी है 159 BHP, जो कि मार्केट कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। 160 BHP की पावर जनरेट करती है, हॉर्स पावर जनरेट करती है, जो कि टर्बो DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी अवेलेबल होती है। एंड सराउंड म्यूजिक सिस्टम इसमें बॉस का अवेलेबल है, जो कि मार्केट में इतना प्यारा और इतना अच्छा साउंड सिस्टम किसी भी प्रीमियम कार्स में नहीं है इस बजट इस प्राइस रेंज में। अगर हम प्राइस की इसकी बात करें तो 11,400 से
अवेलेबल है, एंड 17,41,800 से टॉप मॉडल आपको उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। फोन नंबर क्या है, लोकेशन क्या शो होगा सर? अगर हमारी लोकेशन की बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया प्लॉट नंबर 154-155 नियर सिटी एम्पोरियम मॉल ऑपोजिट वेरका प्लांट चंडीगढ़। एंड अगर मोबाइल नंबर की बात करूं तो मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मेरा मोबाइल नंबर है 7986-467953। धन्यवाद।